Assalamu alaikum, dear students. Today is the fourth lecture for the 10th class students in the chapter Acids, Bases and Salts. I already have delivered three lectures about acids, bases and salts. Now today we will start another topic of this chapter, that is classification of acids. We already have discussed the three theories about acids and bases: Arrhenius concept, Bronsted-Lowry concept and Aurelius concept. Today we will start the classification of acids. How we can classify acids? My dear students, first classification is on the basis of source. Ye acids kahan se aate hai? Jab hum classify karte hai acids ko on the basis of source, it is divided into two types. They are divided into two types. Matlab kya maine kaha? Jab hum acids ko क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, आते कहाँ से? दे आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड इनऑर्गेनिक एसिड्स. अब आपको याद रखना है ऑर्गेनिक एसिड्स किनको कहते हैं. म्यून गोबर, ऑर्गेनिक एसिड्स आर दोज एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस, विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम natural sources. Organic acids जो है इनका जो source है वो म्यून गोबर क्या है? Natural sources. समझ है ये म्यून गोबर? That is plants and animals. That is plants and animals. यही है ना organic sources. सर जी कुछ examples दीजिए हम. For example, शाबाश में उनको बोल, ऑक्सैलिक एसिड जो टमेटोज में प्रेजेंट होता है, ऑक्सैलिक एसिड, या में उनको बोल साइट्रिक एसिड है, साइट्रिक एसिड है जो साइट्रस फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है, या टार्टरिक एसिड है, टार्टरिक एसिड है जो टैमेरिन में प्रेजेंट है, या लैक्टिक एसिड है जो प्रेजेंट है कर्ड में. जिगर में उन समझ आया, पहली क्लासिफिकेशन समझ आई. ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, आते कहाँ से है ये एसिड्स? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स दे आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. वन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स, अनदर इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड्स. ऑर्गेनिक एसिड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स. इन सोर्सेज से ये ऑर्गेनिक एसिड्स आते हैं. कुछ एग्जाम्पल्स, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है टमेटोज में. साइट्रिक एसिड, ये दे आर प्रेजेंट इन साइट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन, ऑरेंज. टार्टरिक एसिड, दे आर प्रेजेंट इन टैमेरिन. म्यून गोबर, लैक्टिक एसिड, दे आर प्रेजेंट इन, दिस इज प्रेजेंट इन कर्ड. समझ आया? तो ये सारे ऑर्गेनिक सोर्सेज से आ गए. समझ आए म्यून गोबर? नेचुरल सोर्सेज से आ गए. तो अब इनऑर्गेनिक एसिड्स की बात करेंगे. दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स ऑफ द अर्थ, ऑब्टेन्ड फ्रॉम minerals of earth. ये obtained होते हैं from minerals of earth. जिगर में इनको एक और नाम से पहचानते हैं हम, mineral acids. They are also called mineral acids. They are also called mineral acids. Very good. क्या inorganic acids are obtained from minerals of earth? They are also called mineral acids. They are also called mineral acids. बहुत अच्छा. मैं उनको पर कुछ examples देंगे हम, like HCl hydrochloric acid, like H2SO4 sulfuric acid, like nitric acid HNO3. HCl को hydrochloric acid कहते हैं, H2SO4 को कहते हैं sulfuric acid, HNO3 को कहते हैं nitric acids. जिगर में समझ, इनको हम कॉमनली मिनरल एसिड्स भी कहते हैं. याद रखिएगा, दीज एसिड्स आर कोरोसिव, दीज एसिड्स आर कोरोसिव, दीज एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर. वो म्यून गोबर, तो इन एसिड्स को हमें बड़े केयर के साथ हैंडल करना है, अदरवाइज दे विल कॉज सीवियर इंजुरीज टू पीपल. अगर
सल्फ्यूरिक एसिड हाथ पे गिरेगा तो पूरा का पूरा हाथ जला देगा। ये नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूर, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड उतने खतरनाक नहीं होते, दे आर इजी टू हैंडल बिकॉज हम वो खाते भी है, समझिए उनमें उनको। तो दिस फर्स्ट क्लासिफिकेशन वॉज ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, बहुत अच्छा मैं उनको पर। नाउ माई डियर स्टूडेंट्स, अनदर क्लासिफिकेशन इज पॉइंट नंबर टू, ऑन द बेसिस ऑफ दियर एबिलिटी शाबाश, टू डिसोसिएट इन एक्वस सोल्यूशन। कंफ्यूज नहीं होएगा गोबर म्यून, बहुत अच्छे से मैं आपको ये समझा दूंगा। म्यून गोबर आप जानते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू डिसोसिएट। आप जानते हैं एसिड्स को क्या होना पड़ता है, इनको डिसोसिएट होना पड़ता है एक्वस सोल्यूशन में। आप आरहीनस कंसेप्ट याद कीजिए, आपको आरहीनस कंसेप्ट याद है म्यून गोबर, वहां पे क्या होता है, विच गिव्स एसिड सब विच गिव्स एच पॉजिटिव एक्वस, जो एच पॉजिटिव देता है किस में, एक्वस सोल्यूशन में। तो म्यून गोबर तो इसका जब वो एच पॉजिटिव एक्वस सोल्यूशन में देगा तो उसको डिसोसिएट होना है ना, उसको आयोनाइज होना है ना, तो उसको कहते हैं म्यून गोबर। जिगर में साक्षी इसी बेस पे अड़े सारी एसिड्स गैसन कहाँ गैस विल डिसोसिएट, कहाँ गैस न विल जिगर में हर किसी एसिड को डिसोसिएट होना है वाटर में, तभी वो एच पॉजिटिव देगा। कोई जल्दी होगा डिसोसिएट, कोई स्लोली होगा, समझो। तो उसी बेस पे हम एसिड्स को क्लासिफाई करते हैं दो टाइप्स में, पहले को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और दूसरे को कहते हैं वीक एसिड्स। ये किस बेस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन, किस बेस पे इनकी क्या एबिलिटी है डिसोसिएट होना एक्वस सॉल्यूशन में, जिगर में समझ आया। तो कितने हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड गेट्स dissociated completely in aqueous solution, gets dissociated completely in aqueous solution, फिर क्या release करेगा, to release में उनको शाबाश H positive ions, शाबाश म्यून गोबर, बहुत अच्छा म्यून गोबर। वो सा क्या गसन डिसोसिएट कम्प्लीटली, मतलब आयोनाइज गसन कम्प्लीटली, अड़ गसन कम्प्लीटली आयोनाइज, तला म्यून गोबर यूस कम्प्लीटली गस आयोनाइज, सु दिया ज्यादा एच पॉजिटिव क्यूस इनकम्प्लीटली गस आयोनाइज, जो कम्प्लीटली होगा, और म्यून गोबर जो कम्प्लीटली आयोनाइज होगा कशिर पे, मे त्रो नून आबस मं दह ग्राम त्रे मे एक ग्लास मज आब बराबर अकिस मज गो सोरे नून डिजालव, तथा आ नून मज ज्यादा किन कम डिजालव गुमत पूरा है कम्प्लीट गुमत। तो इथे पे मोन गोबर स्ट्रॉन्ग एसिडस मन गसन कम्प्लीट डिसोसिएशन, ये डिसोसिएट एसिड गो कम्प्लीट एच पॉजिटिव तो नेरन ज्यादा, तो उसी को स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड गसन डिसोसिएट कम्प्लीटली इन एक्वस सोल्यूशन टू रिलीज एच पॉजिटिव। क्या एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिडन HCl and H2SO4 या nitric acid भी, these are strong acids. HCl and H2SO4 examples of strong acids. अतन चु बोन कहीं याद थाउन, all mineral acids except carbonic acid are strong acids. बहुत अच्छा, प्रत मिनरल एसिड एक्सेप्ट मोन गोबर कार्बोनिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, समझ आया, बहुत अच्छे से समझ आया होगा, मैं एक बार फिर एक्सप्लेन करूंगा ये। और दूसरा जो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन, किस टेंडेंसी के साथ ही एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होते हैं, जो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा उसको स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं,
तो इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग एसिड एच पॉजिटिव टू ज्यादा होगा बिकॉज वो कंप्लीटली आयोनाइज होगा, तो म्यून गोबर एग्जाम्पल एच सी एल और एच टी एस ओ फोर। दूसरा पॉइंट आपको याद रहे आर ऑल मिनरल एसिड्स एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। जिगर में समझ आवा, शाबाश बहुत अच्छा। इसके बाद वीक एसिड्स की बात करते हैं, दे गेट्स डिसोसिएटेड पार्शली। हे यम ती गसन डिसोसिएट मगर गसन पार्शली इन एन एक्वस सॉल्यूशन टू रिलीज एच पॉजिटिव करने जात किन काम टू रिलीज लेस म्यून गोबर। हा शाबाश, लेस अमाउंट ऑफ एच पॉजिटिव आयंस, शाबाश। क्या सा वीक एसिड गई गेट्स डिसोसिएटेड पार्शली, यम डिसोसिएट गसन पार्शली। क्या चे गसन डिसोसिएट पार्शली इन एक्वस सॉल्यूशन, ये यम पार्शली गई यम करने एच पॉजिटिव कम किन ज्यादा, हाँ ये कम एच पॉजिटिव रिलीज करेंगे टू रिलीज लेस अमाउंट ऑफ एच पॉजिटिव आयंस। जिगर में समझ आवा, क्या वीक एसिड्स कम गई गेट्स दे गेट डिसोसिएटेड पार्शली इन एन एक्वस सॉल्यूशन, पार्शली गसन यम डिसोसिएट टू रिलीज। तलो तो दोयो मज क्वेश्चन, तलो स्ट्रांग एसिड चे आयोनाइज गसन कंप्लीटली किन वीक एसिड, स्ट्रांग एसिड, वीक एसिड चे गसन पार्शली आयोनाइज। समझ चे यवन, याद चे थवन आयोनिक कंपाउंड यल डिसोसिएट चुना गसन तच वनन इस आयन, तच वनन यगो आयोनाइज, आयोनन मज कन्वर्ट, डिसोसिएट वनन गो यल कोवलेंट कंपाउंड फिट। जिगर में समझ चे यवन, दे गेट डिसोसिएटेड पार्शली इन द एक्वस सॉल्यूशन टू रिलीज लेस अमाउंट ऑफ एच पॉजिटिव। एग्जांपल आ दी हुस, एग्जाम्पल गई ऑर्गेनिक एसिड्स, एग्जाम्पल गई ऑर्गेनिक लाइक एसिटिक एसिड या म्यून गोबर फॉर्मिक एसिड। सर जी नाव जनित नई जान हो, एसिटिक एसिड से वन सिरकस आंचारस त्रावन गरि एज इट एक्ट्स एज ए प्रिजर्वेटिव। दुम गो फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट आसान रेड आंटसन मज, आंटस आंटियन मज नाव आंटियन मन रेड आई तिमन मज तुम मगर फार्मिक एसिड ज्यादातर आंटसन मज रेन मज, आंटीज में नहीं होता, सॉरी मैं जो कर रहा था। एसिटिक एसिड सिरकस मजान प्रेजेंट, हाँ सिरक लगान आंचारस त्रा पिकलस में यूज होता, इट एक्ट्स एज ए प्रिजर्वेटिव। फार्मिक एसिड रेड आंटसन मज प्रेजेंट आसान। एथन तो ब्याह पॉइंट याद थोन, ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स, ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू कैप्ट इन माइंड दिस लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंशाल्लाह इसके आगे हम और जाएंगे कल, तो आज के लिए इतना काफी है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।